एटीएम कार्ड बदलकर 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में परिवादी झुंझुनू के साइबर थाने में रिपोर्ट पेश करने पहुंचे हैं। दोनों संदिग्ध युवकों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला पिलानी के पंचवटी के सामने स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम का है। पिलानी के वार्ड नंबर 11 आजाद कॉलोनी निवासी अशोक कश्यप ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया है कि उनकी बेटी हिमाद्री एनआरआई है, जिसका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है। बैंक से नया एटीएम कार्ड घर आया था, जिसको एक्टिवेट करने के लिए पीड़ित नज़दीकी पंचवटी के सामने स्थित बैंक के एटीएम में गया था। एटीएम कक्ष में मौजूद दो युवकों ने मदद के बहाने उनसे एटीएम लिया और दूसरा एटीएम थमा दिया। फिर कुछ देर बाद दो ट्रांजेक्शन पीड़ित की बेटी के खाते से हुए, जिसमें करीब 2 लाख रुपए अन्य खातों में स्थानांतरित किए गए। पीड़ित को जब पता लगा तो पीड़ित ने साइबर थाने में इसकी रिपोर्ट पेश करने पहुंचे। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों की तलाश में जुट गई है।